24 सीटों पर होने वाले एमएलसी के चुनाव को लेकर एनडीए के दो बड़े दल ने बीजेपी और जदयू ने समीकरण को तय कर लिया है। बीजेपी 12 और एक सीट यानी कि 13 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 11 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। लेकिन जितना मांझी की पार्टी और वीआईपी कितने सीटों पर लड़ेगी इसको लेकर कुछ नहीं हुआ, यानी कि दोनों दलों का इन 24 सीटों में कोई समीकरण उनके लिए नहीं बैठा। अब जितना मांझी ने नाराजगी व्यक्त की और साफ तौर पर कहा है कि हम एक लोटा के कारण पूरे जो है भांगड़ा को खराब नहीं करेंगे, नाराजगी प्रकट की है, कहा है कि एनडीए की एक बार बैठक होनी चाहिए, वही करते जो किया, लेकिन एक बार सभी की बातों को सुन लेने की जरूरत थी। क्या कुछ कह रहे हैं जितना आवाज़ी वो सुने आप। सीट बंटवारा और जदयू के बीच जो सीट बंटवारा हुआ 24 सीटों का, आप भी उस गठबंधन में है, क्या कहेंगे आप उसमें? हमको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ ये चाहते थे कुछ भी निर्णय हो तो चारों पार्टी के लोग बैठ करके निर्णय ले लें, लेकिन वैसा नहीं हुआ जो हम समझते हैं। इसके लिए थोड़ा मेरे मन में तकलीफ करते वही जो वाज किए हैं, लेकिन चार वर्षों मिल करके बैठ करके बात करते हैं। और दूसरी बात जहाँ है जो निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं। जितन मांझी की तरफ से ट्वीट भी आया है, आपने देखा होगा कि हम एक लोटा के चलते बटलोही को बर्बाद नहीं करेंगे, यानी एक सीट के चलते एनडीए गठबंधन बर्बाद हो ऐसा हम नहीं चाहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अगर कुछ के चलते तो अच्छा होता, हम भी बात मानते हैं समझ के। और दूसरी बात ये भी है कि सुनी जा रही है बात कि जो लड़ रहे हैं वो 6 महीना पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, सर्टिफिकेट लोगों के ले रहे हैं 10-10 हज़ार 15 हज़ार और उसमें पैसा दे रहे हैं। तो भाई उस प्रकार की बात आई तो हमारे पास कौन आएगा कि हम कैंडिडेट देते? हम देते भी नहीं कैंडिडेट। लेकिन ये जरूर है कि जब गठबंधन है तो गठबंधन में कोई भी निर्णय हो तो मिलजुल करके करना चाहिए, कुछ ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक तरफ मुकेश सहनी अपना पूरे 2400 पे लड़ने के लिए तैयार है। देखिए वो बहुत सी बात को तो यहाँ 165 सीट लड़ने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी यहाँ भी कर रहे हैं, वो उनकी बात है, हम उनकी बात के बारे में कुछ नहीं जानते। एक तरफ शिक्षकों को भी शराब ढूंढने की बात कही जा रही है। अच्छा, अभी एक ताज़ा जो आदेश हुआ है उस पर एक आया है, आप लोग भी देख रहे हैं, कल तक यही बात थी कि शिक्षक को लगाया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री का जो वक्तव्य आया है उसको आपने देखा होगा कि उनको बाध्य नहीं किया जाएगा, अपील की गई है, आदेश की गई है कि आप ऐसा कीजिए। देखो अपील होता है, करेंगे न करेंगे अलग बात, बाध्यता नहीं। अगर बाध्यता होती तो हम आपसे एकदम कहते कि सरकार का ये गलत है। जी सर, एक और क्षेत्रीय ये सर प्रॉब्लम कि पीडीएस दुकानदार जो हैं उनसे भी शिकायत आती है कि वो जो अनाज गरीबों को 5 किलो नहीं दे पाते हैं, उनके साथ समस्या ये आ रही है।